यही जगह है जहां प्रिंस को रखा गया है। ओह सर रॉबर्ट, परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ, इनसे मिलिए। ये जो बार्न है, ये जोसाइन के बेटे हैं। जानता हूँ, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? इसे रेस के घोड़ों में दिलचस्पी है। मैं घुड़सवारी जानता हूँ, मैं जॉकी बनना चाहता हूँ। वाकई? जी, मेरा इरादा पक्का है। वाह, ये अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? बस आपके पास काम करना। लेकिन मुझे जितने जॉकी चाहिए मेरे पास हैं। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपका अस्तबल साफ कर दूंगा और वो सब जो आप चाहेंगे। ठीक है, देखेंगे। थैंक यू सर रॉबर्ट। सर जल्दी कीजिए, घर चलिए। क्यों? कुछ गड़बड़ है सर। मैंने कहा था ना, लेडी बियात्रिस की तबीयत खराब है, आप उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मैंने कहा मेरा उनसे मिलना बेहद जरूरी है। मैं माफी चाहता हूँ सर, मुझे सख्त हिदायतें दी गई हैं। तुम मुझे लेडी बियात्रिस से बात करने दोगे या मुझे अपनी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी? अपनी ताकत तो मुझे दिखाओ ब्रियो। ये आदमी मैडम से मिलने के लिए जबरदस्ती कर रहा है सर। यहाँ आने को मना किया था तुम्हें, हमारी बातें तुम्हारे दफ्तर में भी हो सकती है, यहाँ नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं मैंने ये मामला निपटाने की बहुत कोशिश की सर रॉबर्ट। न्यू मार्केट के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं इस बार कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। शायद लेडी बियात्रिस ये मामला सुनने के लिए जरूर तैयार हो जाएंगी। तुम्हारी शिकायत मुझसे भी हुआ, किसी और से नहीं। ये सब बातें लेडी बियात्रिस जरूर सुनना चाहेंगी। रॉबर्ट, कौन है ये लोग, चाहते क्या है ये? मैं बताता हूँ मैं क्या चाहता हूँ लेडी बियात्रिस। निकालो यहाँ से। मैं वही चाहता हूँ जिस पर मेरा हाथ है। निकल जाओ, जाओ, वरना बहुत पछताओगे। मैं वापस आऊंगा लेडी बियात्रिस, अभी चलता हूं। I'm sorry, आपको परेशानी हुई दिया। वो क्या कह रहा था रॉबर्ट, उसका किस चीज पर हक है? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पर मुझे फिक्र है रॉबर्ट, अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। दोबारा परेशान नहीं करेगा। अगर वापस आए तो हमें क्या करना चाहिए सर? अगर वो वापस आया तो उससे मैं खुद निपटूंगा। तुम रेस के बारे में कुछ जानते हो? हाँ जानता हूँ, मैं तकरीबन अपनी आधी पेंशन उसी में खर्च करता हूँ। तो फिर मैं तुम्हें इस मामले में अपना गाइड बनाऊंगा। क्या गाइड? क्या सर रॉबर्ट नॉबर्टन के नाम से तुम्हें कुछ याद आता है? क्यों नहीं, वो हॉर्स राइडिंग का शौकीन है और शॉस्कम हॉल में रहता है। उसके अस्तबल को शॉस्कम ओल्ड प्लेस कहते हैं, लेकिन तुम खुद उसे नहीं जानते। मैं उससे कभी मिला नहीं। जानते हो, उसे एक खतरनाक आदमी समझा जाता है। कितना खतरनाक? कुछ महीने पहले ही उसने न्यू मार्केट में एक आदमी पर चाबुक बरसाए थे। सैमुअल ब्रूअर कर्जन स्ट्रीट पे रहता था, लोगों को पैसा उधार देता था। वजह क्या थी हमले की? सर रॉबर्ट को कर्जा देने वाले साहूकारों से कुछ चिढ़ या उनके कर्जे तले दबा हुआ है। वो कर्जे में इतना डूब चुका है शायद कभी उबर ही ना पाए। मुझे एक खत मिला है जॉन मेसन से, वो शॉस्कम में हेड ट्रेनर है, अभी एक घंटे पहले आया है। डियर मिस्टर होम्स, उम्मीद है आपने कुछ दिन पहले सैमुअल ब्रूअर के गायब होने के बारे में जरूर पढ़ा होगा।
अपने मालिक सर रॉबर्ट नॉबर्टन के हितों को देखते हुए मैं एक बहुत जरूरी मामले पर चर्चा करने के लिए आपसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन उसने जो टाइम लिखा है उससे वो काफी लेट हो चुका है। सैमुअल ब्रूअर लापता है? अखबार में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन शॉस्कम के बारे में कुछ और बताओ। शॉस्कम स्पैनियल्स शॉस्कम ओल्ड प्लेस की लेडी की शान माने जाते हैं। सर रॉबर्ट नॉबर्टन की बीवी है शायद? नहीं नहीं, उन्होंने कभी शादी नहीं की। ओ, वो अपनी विधवा बहन के साथ रहते हैं, लेडी बियट्रेस फोल्डर। मतलब वो उसके साथ रहती है? नहीं, ये प्लेस उसके मरहूम पति सर जेम्स का था। शॉस्कम में क्या गड़बड़ हो सकती है? क्या हो सकती है? शायद वो आ गया जो हमें बता सकता है। यस, आपने जो अंडे मुझे दिए वो बहुत सख्त थे। कोई मिस्टर मेसन आपसे मिलने आए हैं। थैंक यू मिसेस हडसन, उन्हें अंदर भेज दीजिए। सर प्लीज। सर आपको मेरा नोट मिला मिस्टर होम्स? मिला था, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं था। मामला इतना नाजुक था कि मैंने लिखना ठीक नहीं समझा। यह बेहद पेचीदा है। आप मेरे दोस्त डॉक्टर वॉटसन पर भरोसा कर सकते हैं। प्लीज बैठ जाइए। मिस्टर होम्स, मुझे लगता है सर रॉबर्ट नॉबर्टन पागल हो गए हैं। मिस्टर मेसन प्लीज, ये मेरा घर है, कोई पागल खाना नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे यकीन है शॉस्कम प्रिंस और चैंपियन स्टेट ने उनका दिमाग घुमा दिया है। शॉस्कम प्रिंस? वॉटसन तुम कमाल के हो, एक घोड़ा है। इंग्लैंड का बेहतरीन घोड़ा सर। दरअसल बात यह है कि सर रॉबर्ट हर हाल में ये रेस जीतना चाहते हैं। वो कर्ज में डूबे हैं और ये उनके पास आखिरी मौका है। इस रेस पर उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। उन्होंने इस बड़ी रेस के लिए अपने लेनदारों को भी रोक रखा है, और अगर कहीं प्रिंस हार गया तो खेल खत्म। और आपको लगता है कि सर रॉबर्ट के कर्ज और सैमुअल के गायब होने के बीच संबंध है? वो सर रॉबर्ट का सबसे बड़ा लेनदार है, और मैं बेहिचक कह सकता हूं कि दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। न्यू मार्केट की घटना के बाद इसमें कोई हैरानी नहीं। वो तो बस एक शुरुआत थी। ब्रूअर पिछले हफ्ते घर आया था और सर रॉबर्ट उस पर पागल की तरह झपट पड़े थे और बोले कि अगर कभी अपना चेहरा दिखाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शायद वो आया ही नहीं होगा। मुझे नहीं पता सर, ठीक से नहीं पता। अच्छा, पैसे की बहुत बड़ी तंगी होने पर क्या सर रॉबर्ट का अपनी बहन की एस्टेट पर कोई दावा बनता है? बिल्कुल नहीं सर। जितना मुझे पता है अपने जीते जी वही इसकी मालकिन है, और उनकी मौत के बाद उनके पति के भाई को ये एस्टेट मिल जाएगी। तब तक हर साल मैडम किराया लेती हैं और भाई खर्च करता है, आप ऐसा कह सकते हैं? वो उन्हें काफी मुश्किल में डाल सकता है। हो सकता है, लेकिन वो हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके एक जैसे शौक हैं। वो भी घोड़ों से उतना ही प्यार करती हैं जितना उनके भाई, या यूं कहें वो करती थी। हर रोज करीब 12 बजे वो अपने स्टेट में उन्हें देखने आती हैं, और सबसे ज्यादा प्यार वो प्रिंस को करती हैं। गुड मॉर्निंग बियट्रिस। मुझे बेसब्री से उस पल का इंतजार है जब प्रिंस के जीतने पर सबके चेहरे लटक जाएंगे। क्या कहते हो मेसन? और किसी का कोई चांस नहीं है सर। प्रिंस के तो आस पास भी कोई नहीं है। क्यों, आपने सही कहा सर। अपनी उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर मत रखना रॉबर्ट। तुम्हें नहीं, और घोड़ों के मालिक भी चैंपियन स्टेक्स को जीतने की चाह रखते हैं। लेकिन प्रिंस जैसे घोड़े का मालिक मेरे सिवाय कोई नहीं है। वो इतनी अच्छी फॉर्म में है कि तुम भी उस पर राइड करके जीत सकती हो। मुझे नहीं लगता रॉबर्ट, मेरे घुड़सवारी के दिन खत्म हो चुके। जाकर आराम करो सिस्टर। नहीं, मैं ठीक हूँ रॉबर्ट, बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा था याद है? तुम मुझसे भी ज्यादा रहेंगे रॉबर्ट। जैस्पर, गुड डॉग। और कैरी कैसी है आज? ओ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सर रॉबर्ट। मैडम अस्पताल के पास से गुजरते हुए किसी को गुड मॉर्निंग तक नहीं बोलती। आपको लगता है उनमें कुछ झगड़ा हुआ है?
उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त झगड़ा हुआ सर। वो उनके नजदीक नहीं जाती, वो अपने कमरे से बहुत कम निकलती हैं, सिवाय रोजाना की सैर के। उन दोनों का यह झगड़ा आपने खुद देखा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन और क्या वजह हो सकती है कि वो उनके पालतू कुत्ते को किसी को दे देते? वो उस कुत्ते को अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। तो फिर सर रॉबर्ट ने अपनी बहन को इस तरह परेशान क्यों किया होगा, आप बता सकते हैं? नहीं, लेकिन ऐसा बर्ताव एक कमजोर दिल औरत के साथ बेरहमी है, यह बिल्कुल गलत है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई जुर्म करने की कोशिश में है। तो क्यों कत्ल की रात सर रॉबर्ट अपने घर से निकले, और वो कौन था जिससे वो मिले? कहते जाओ। बटलर स्टीवंस ने उन्हें घर से जाते देखा था और मुझे इस बारे में बताया था, इसलिए अगली रात हमने उनका पीछा किया। हमें अंधेरे में चेहरा नजर नहीं आया। सर रॉबर्ट ने अपनी बहन का कुत्ता कब किसी को दिया? एक हफ्ता हो चुका है। जैस्पर एक दिन मिलहाउस के बाहर बड़े जोर जोर से रो रहा था, लेकिन उसे निकाल देने की ये कोई सही वजह तो नहीं थी।